चलो यार उस तरफ यार। Hi, this is Style Vlogger present a new video for you guys. So मैं आज बताना चाहता हूँ रूडीज, जो आप टी शर्ट दिख रहे रहेंगे, सो मैं आज ना रूडीज के बारे में बताऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं क्या वीडियो। स्टार्ट करने से पहले गाइज, आप मुझे फॉलो नहीं करते रहेंगे ना इंस्टाग्राम पे, तो जाके डिस्क्रिप्शन में ना दिया है, जाके मुझे फॉलो कर देना स्टाइल व्लॉगर के, स्टाइल अंडरस्कोर व्लॉगर। सो जल्दी जल्दी पब्लिक या सब्सक्राइब को जल्दी जल्दी थोड़ा फॉलोअर्स बना देना। 1K के करीब में फॉलोअर्स बना भी कुछ नहीं है, और मेरा 500 सब्सक्राइबर्स होने वाले भाई, जल्दी 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 500 हो जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। आपका प्यार, थैंक यू जो भी आपने मेरे वीडियो देखे। और गाइस मेरा जो पहला वीडियो है ना उसका 2.5 हो गया है, 2.5K व्यूज हो चुका है, अच्छा लगा मुझे। सेकंड वीडियो मेरा 1K को हो गया, अभी तक जितने भी नहीं देखे रहेंगे वीडियोज जाके जल्दी जल्दी वीडियोज मेरे सब देख लेना। उसके बाद मैं आना चाहता हूँ रोडीज ओके। सो गाइस रोडीज पे मैं गया था सो रोडीज पे गया था मैं, और रोडीज पे मतलब सब थे, मतलब प्रिंस नरोला और रण विजय, संदीप सिंह, रफ्तार, ये सब गैंग लीडर थे। और मैं गया, ऑडिशन दिया, कुछ नेगेटिव्स भी हुए मेरे साथ, बड़ा बट मैं नेगेटिव्स के बारे में नहीं बताऊंगा, सो नो ओनली पॉजिटिव्स ओके। सो मैं पॉजिटिव्स के ऊपर बताऊंगा। पॉजिटिव्स में मतलब क्या क्या हुआ मेरे साथ। मैं पहले गया यहाँ से, आतिक था, आतिक मेरा दोस्त है एक, सो कुछ एक फोटोज़ दो थी, फोटोज़ निकाला है, एक म्यूजिक वीडियो बनाया जो मैं इंस्टाग्राम पे, अगर फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर देना गाइस। तो फट बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा है सब चीज़ें कि 1K यार, 1K फॉलोअर्स होना चाहिए गाइस। और सेकेंड किधर था, क्या था, कहाँ था, कहाँ था गाइस, जल्दी याद दिलाओ। हाँ तो मैं रूडीज पे था, हाँ रूडीज पे था। सो मैं रूडीज पे गया ऑडिशन के लिए, आतिक मेरे साथ में था, हम लोग होटल में रुके, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग ने गए वहाँ पे रूडीज में, मतलब ऑडिशन के लिए। ऑडिशन में वो बहुत पब्लिक थी, बहुत क्रेजी पीपल थे, बहुत ज़्यादा थे, सो और मेरे से भी बहुत स्मार्ट ही बंदे थे। I know I'm not smart. तो समझो पूरे ऑल ओवर इंडिया से कितने रहेंगे, इंदौर में होता है, चंडीगढ़ में होता है, दिल्ली में होता है, और पुणे में होता है। सोचो इतना सारा क्राउडेड है, उसमें से 16-20 बंदे, चलो कोई नहीं, उसमें से भी बेस्ट रहते हैं, कोई बजी बॉब बन जाता है। पहले ही ऑडिशन में जाके डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाना ऑडिशन में, मतलब। और एक बार बताओ क्या रोडीज जीतने से ज़्यादा है सेलेक्ट होनी बड़ी बात है, क्योंकि तुम वो बंदे बनना, मतलब बंदे होंगे कि तुम मतलब कम से कम नहीं बोल के तुम 30,000, 20,000 या 40,000 तक के बंदे में सेलेक्ट होंगे, तो बहुत बड़ी बात है। सो गाइस मैं अभी छोटा टॉपिक पे आता हूँ, टॉपिक क्यों सॉरी, मैं ऑडिशन के बारे में बता रहा हूँ। तो ऑडिशन में मैं गया, अंदर लोग रजिस्ट्रेशन हुआ, मतलब मेरे नंबर दिए पहले अंदर एंट्री के लिए, तो हम लोग एंट्री में गए, हाँ एंट्री गए, तो थक गया था, भूख लगी थी ज़रा, सो हम लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद हम लोग का एक फॉर्म मिला, बहुत बड़ा फॉर्म था, दिमाग का शॉर्ट हो गया मतलब। सो वो हम लोगों ने फॉर्म पढ़ा, फॉर्म में बहुत गंदा क्वेश्चन थे, मतलब मज़ा आया क्वेश्चन भी देख के, चलो देख मतलब बताता हूँ मैं तुमको क्या क्वेश्चन थे। सो गाइस कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्या, वॉट इज़ योर डीपेस्ट एंड डार्केस्ट सीक्रेट यू हैव
बता सकते हैं क्या कमेंट में? बता देना जरा, ये क्वेश्चन पूछा था वहाँ पर। और ड्रंक का था, मतलब कोई लड़की ड्रंक की है, ड्रंक समस्या ना ठीक है। सो कोई लड़की ड्रंक की है तो वो लड़की किससे ज़्यादा खतरा है, मतलब वो लड़की किसी घर पे रुकने से या लेट नाइट पार्टी से या अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं जाने से। सो ये क्वेश्चन मतलब था। प्रिंस भाई आए, रणविजय भाई आए और दिव्या अग्रवाल है और वरुण है, दिव्या के साथ वरुण आएगा। फिर ये लोग मतलब बात कर, वजीर बॉब आए। तो मेरा ना कुछ स्टोरीज है, मैंने वीडियोज़ नहीं बनाए, वहाँ जाके ब्लॉग्स नहीं बनाए। इसके लिए मैं सोचा, बहुत अफसोस हुआ कि मैंने ब्लॉग्स नहीं बनाया। इसके लिए सोचा कि मैं घर पर बैठ के तो ये सब जितने भी वीडियोज़ हैं मतलब खुद से बैठ के बता दो, जो मेरे पास छोटे मोटे जो वीडियोज़ हैं ना वो थोड़ा आ जाएगा तुमको, तुम्हारे सामने डिस्प्ले में होगा स्टोरी। मतलब अभी देखो वजीर बॉब का भी आएगा, फिर उसके बाद रणविजय का आएगा, फिर रफ्तार सबका एक स्टोरी आ जाएगा ठीक। सो मैं अंदर गया, मतलब तो बहुत वहाँ पे शो हुए, बहुत ही अंडरग्राउंड म्यूजिक मतलब अंडरग्राउंड रैपर्स आए थे और कॉम्पिटिशन में मतलब बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड वहाँ पे बंदे आए थे। मैं पुणे में गया था, एक्चुअली बोलना भूल गया, मैं खुद पुणे गया था। सो मैं पुणे गया था, फिर उसके बाद वहाँ पे 5,000 बंदे थे, तो हम लोग अंदर गए, अंदर गए हम लोग, रिसीजन हुआ। सो वहाँ पे ना भाई जो क्वेश्चन किया ना भाई, बताता हूँ, क्वेश्चन ये किया गया कि तुम रोडीज क्यों बनना चाहते हो और रोडीज बन के तुमको लेके हमें क्या फ़ायदा, ये क्वेश्चन था। सो गाइज मैंने क्या रिप्लाई दिया रहूँगा, सो मैंने ना ये रिप्लाई दिया था कि मैंने रिप्लाई ये दिया था कि मैं आपका जो शो है पहले से बहुत बड़ा शो है, सो आपका इतना ब्रांड है, आप मुझे लो या ना लो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मैसेज कर छो, सो आप लो या ना लो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। सेकेंड चीज़, अब मैं हाँ मेरे अंदर मुझे मालूम है मैं बहुत इंटरटेनर, मतलब बहुत मुझे ऐसा मालूम मेरे अंदर कैपेसिटी है कि हाँ मैं इंटरटेन कर सकता हूँ पब्लिक को, ऑडियंस को। सो प्लीज़ आप मुझे प्लीज़ नहीं बोलो। सो मैं आपके शो में क्या बोला कि हाँ मेरे पास ना बॉडी नहीं है, मतलब मैं इंग्लिश में बोला था तो मैं वो रिपीट करना चाहता हूँ। आई डोंट हैव अ मस्कुलर बॉडी नॉर अ बियर्ड बट आई एम स्टिल सेक्स। वो सुने, वो सुनने के बाद आए गले लगाए और ये टी शर्ट मुझे दिए। सो अच्छा लगा कुछ, मैंने मतलब बोले कि तुमको कॉल आएगा सेकेंड राउंड के लिए, सो मुझे ऐसा कुछ कॉल विल नहीं आया, मतलब 2 दिन में बोले थे कॉल आएगा तो कॉल नहीं आया। सो आई एम नॉट सिलेक्टेड फॉर रोडीज, सो ये मत समझना गाइस कि मैं पहन के बैठा हूँ तो मैं रोडीज में सिलेक्ट हो चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं। सो देखेंगे इस बार सीजन में कौन विनर्स होगा, क्या पता जो मेरे बाजू में खड़ा था क्या वही जाके विनर ना हो जाए, वो जलती है। चलो कोई नहीं, अच्छा लगा कि और भी बंदे बहुत डिजर्विंग आए थे वो भी सिलेक्ट हो जाए, अच्छी बात है। और कहाँ पे था मैं, चलो सीजन तो अभी 10 फरवरी से 7 PM आएगा MTV शो पे, ओनली MTV, तो देखना मत भूलना। और मेरा 500 सब्सक्राइबर्स करो फाइनली के नज़दीक में मैं, और 1K के करे फॉलोअर्स के करीब में हूँ तो 1K भी कर देना फटफट जाके। मैं IG स्टाइल व्लॉगर _ब्लॉगर मतलब स्टाइल _ब्लॉगर दिया हूँ, वहाँ पे जाके जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर देना। और क्या था, और हाँ नेक्स्ट वीडियो ना टैटूज के बस पे, टैटू का बहुत शौक है, तो नेक्स्ट वीडियो टैटूज के ऊपर है। तो उसके बाद मैं प्रैंक करने वाला हूँ, मैं प्रैंक। सो
सो रेडी रहना प्राइम के लिए, ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे वीडियो को भी जो भी वीडियो है ये शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना तुमको कैसा लग रहा है, कमेंट मतलब कमेंट ऑप्शन में बता देना कि यो तुम्हारा ये इसमें कमी था, वो कमी था, बता देना ठीक है। चलो बाय।